First of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. So guys, जो आज की क्लास है वो किस पे बेस्ड है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, लर्न इंग्लिश थ्रू बुद्धास थॉट, ठीक है ना, पार्ट टू। मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ, श्री जो गौतम बुद्ध जी हैं, ठीक है ना, जो उनके विचार थे वो मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, जो आपकी जो इंग्लिश है, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना या सीखना चाहते हो, तो जो ये विचार होते हैं, जो थॉट्स होती हैं किसी भी ग्रेट पर्सन की, वो बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को सीखने में। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। तो पहली थॉट की बात करते हैं, जो पहला विचार है, कभी भी सीखना बंद न करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति सीखना नहीं चाहता या सीखना बंद कर दिया है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं इस थॉट के थ्रू, क्योंकि ये किसकी थॉट है, भगवान गौतम बुद्ध जी की। ओके, तो कभी भी सीखना बंद न करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी गाइस, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। ओके, नाउ लुक एट नेक्स्ट थॉट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट थॉट क्या बोल रही है, लोगों को उनके अतीत से कभी मत आके, मतलब जो लोग होते हैं ना, वो जो पास्ट में कर चुके हैं, तो उस मतलब उनके पास्ट को देखते हुए आप उसको जजमेंट नहीं करिए कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि लोग सीखते हैं, लोग बदलते हैं और लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मतलब जो लोग होते हैं ना आपके पास्ट में, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लोग आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता हो वो अब सीखा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है, लोगों को उनके अतीत से कभी मत आके, क्योंकि लोग सीखते हैं, लोग बदलते हैं और लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, नेवर जज द पीपल बाय देयर पास्ट बिकॉज पीपल लर्न, पीपल चेंज एंड पीपल मूव ऑन। ओके, नेवर जज द पीपल बाय देयर पास्ट बिकॉज पीपल लर्न, पीपल चेंज एंड पीपल मूव ऑन। ओके, तो ये एक मोटिवेशनल थॉट है। ओके, और अगर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, सो इट विल बी सो नाइस फॉर यू, मतलब बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत इम्प्रूव करेंगी ये चीज़ें। ओके, नेक्स्ट नाउ लुक एट, हम कभी कभार जो करते हैं उससे सफलता नहीं मिलती। इट मीन्स जो हम ना कोई चीज़ लगातार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत लाइफ चेंजिंग थॉट है ये, ठीक है ना। जो गौतम बुद्ध जी की जितनी भी थॉट्स हैं उसमें से सबसे अच्छी थॉट ये मेरी फेवरेट है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है, हम कभी कभार जो करते हैं उससे सफलता नहीं मिलती, बल्कि हम जो लगातार करते हैं उससे मिलती है। मतलब एक्चुअली ये क्या बोलना चाह रही है विचार, कि जो भी हम कभी कभार करें और कुछ अच्छा कर जाए, तो इसका मीन्स ये नहीं कि हमेशा अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। जो चीज़ हम लगातार करेंगे वही चीज़ हम सबसे अच्छी कर सकते हैं। ओके, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट वी डू ओकेशनली, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट वी डू ओकेशनली बट इट कम्स फ्रॉम व्हाट वी डू कंसिस्टेंटली, ठीक है ना, इट कम्स फ्रॉम व्हाट वी डू कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। जो भी हम कोई चीज़, सपोज मैं वीक में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, और मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगा, तो देखो चेंजेस इसमें जो डिफ्रेंशिएट क्या होगा, मैं यदि रोज़ वीडियो बनाऊंगा तो आई विल गेट एक्सपर्टाइज, मुझे क्या मिलेगी, एक्सपर्टाइज मिलेगी, ठीक है ना, मतलब अनुभव मिलेगा, ठीक है ना। अगर वीकली मैं एक वीडियो बनाऊंगा देन आई कांट बी अ गुड यूट्यूबर, मैं अच्छा यूट्यूबर नहीं बन जाऊंगा। तो सफलता के लिए क्या होना चाहिए, वी शुड हैव कंसिस्टेंसी, मतलब हमें क्या होना चाहिए, निरंतरता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोला जाता है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट वी डू ओकेशनली बट इट कम्स फ्रॉम व्हाट वी डू कंसिस्टेंटली। ओके, तो जो ही मैंने आपको थॉट बताई तीनों, ठीक है ना, तो आप उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन क्या होगी, बहुत इंप्रूव होगी व्हेन यू रिप्रेजेंट ऑल दीज थॉट बिफोर एनीबॉडी, सो यू कैन इम्प्रेस टू एनीवन बाय दिस थॉट या थ्रू दिस थॉट्स। ओके, सो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़।
इफ़ यू आर लाइकिंग सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट्स इट फॉर टुडे. जय हिंद.